करतारी जोत, दाता सतगुरु धन धन गुरु नानक पातशाह जी दे प्यार विच परे बैठे सतसंगी जनो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। आपां साखी कर रहे हाँ जगत दे तारक जगत दे गुरु परमेश्वरी जोत दे वारस साहिब गुरु नानक पातशाह जी दे, उन्हां दी साखी अकह है, उन्हां दी साखी अकथ है, उन्हां दी साखी मनुखी बुद्धि दी सारियां हद्दां तों बहुत परे दी है। ते आपां देख रहे हाँ ओ पीर मियाँ मिठा जी उन्हां दे डेरे दी गल चल रही है, उन्हां दे मरीद बैठे ने, ये बैठे ने मजलस इस्लाम दे पैरोकारां दी है, पर कहानी उत्थे साहिब गुरु नानक साहिब जी दी है। एक बड़ा विचित्र जिहा माजरा है, बड़ी अजीब जी गल है, घर किसे होर दा बात किसे होर दे, वारस किसे सोच दे, गल चर्चा किसे होर दी चल रही है। एक अपने आप दे विच एक हैरान कुन विस्माद जिहा दृश्य है, बड़ियां कमाल दियां गल्लां हो रही ने, विचारां दी सांझ पै रही है। गुरु नानक जी दी वडियाई, उन्हां दा मरीद सलीम नां दा जो व्यक्ति है वो बड़े दृढ़ विश्वास नाल करे, नाले अपनी मरीदताई दी संभाल दी गल करे, नाले गुरु नानक पातशाह दी वडत्तन ते चंगियाई दी गल करके, आज जो सच अखां ना देखिया कन्ना ना सुनिया जो अपने हिरदे च पा के अनुभव किया, उन्हों कहन तो कोई झिझकन जे झिझकदा भी है तो खुदा दे खौफ विच रह के झिझकदा है। गुरु नानक जी दी गल करन लई एक पासे निम्रता धारण करदा है। हुण आपां देख रहे सी इत्थों तक कि जिहड़े पीर जी मियाँ मिठा जी ने ना, ये हुण गुरु नानक जी दी गल जो सुन रहे ने उन्हों चिथ भी रहे ने, जो सुन रहे ने उते विचार भी कर रहे ने, जो सुन रहे ने उन्हों अपने अंदर पा के रिड़क भी रहे ने। भले वो यही एक सियाणप दा लियाकत दा तकाजा हुंदा है, लियाकत दा एहो जिहा एक खूबसूरत दानशमंदा वाला वर्तारा हुंदा है, जदों कोई तत्थ सच हकीकत सामने आ जाए उन्हों केवल रद्द कर देन दे नाल गल नहीं बनती, उत्थे गौर फरमाना, गौर करना, ध्यान देना, ध्यान नाल विचार करनी, ये बड़ी जरूरी गल हो जाती है। हुण धन गुरु नानक जी की बात चल रही है, ये पीर जी बड़े गंभीर हो के सोच रहे ने, कहिंदे ने इन्हां मरीदां दे विच ही एक होर सज्जन भी है, वो भी गुरु नानक जी की शोभत नूं, गुरु नानक पातशाह जी की चंगियाई नूं, गुरु नानक पातशाह जी दियां जिहड़ियां खुदाई विशेषताइयां ने जिन्हां नाल संसार कायल है, प्रभावित है, जिहड़ा गुरु नानक जी की गल नूं सुन के उन्हां दा होए तो बगैर संसार जिवें रह नहीं सकता, इन्हां ने भी इत्थे गल शुरू कर दित्ती। पीर जी जो कुछ सलीम जी कह रहे ने ये कोई झूठ नहीं कह रहे, ठीक है आपां सलाम दी मर्यादा दे बद्दे हुए हाँ, ठीक है असी अपनी मजहबी शरा दे पाबंद हाँ, ठीक है असी अपनी मजहब दी मर्यादा विच जिहड़ी गल करदे हाँ वो अपने थान ते सच हो सकती है, पर जिहड़ी गुरु नानक जी दी वडियाई दी गल है, नानक तपे दी गल है, नानक पीर दी गल है, ये गल भी किसे तरह भी
मिथ्या नहीं है, ये गल भी किस तरह झूठी नहीं है। इस तरह की चर्चा इत्थे हुण चल रही है, तो चर्चा चलदियां चलदियां इत्थे एक गल होर गल करन वाले ने कर दित्ती, पीर जी जे बुरा ना मन्नो तो मैं दस देना चाहता हाँ, नानक तपे दी हजूरी दे विच वड़े वड़े नामवर कहंदे कवाउंदे जड़े अपने आपे नूं इस्लाम दे वड़े अहुदियां दे अध्यात्मक वाद दे चंगे मरातबियां दे वारस ने, वह भी गुरु नानक सच्चे पातशाह दी तपे दी सभा विच जांदे ने ते प्रभाव लैंदे ने। हुण इह गल पीर मियां मिठा जी वास्ते बिल्कुल मनन योग नहीं है, क्योंकि मन यकीन नहीं करता अपने मजहबी विश्वास के कारण, मजहबी रवायतों की जिंदगी पर पालना करन दे कारण, लंबे समय तो उहदे नाल बचपन तो खानदानी संबंध होने के कारण ये गल्लां हुण सुनते रहे ने, पर अंदर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, अंदर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, तो होने बड़े जरूरी सन तो खड़े होंगे। अजे गल चल ही रही सी तो कहिंदे ने किसी होर मुतवर सज्जन ने कहता, पीर जी बुरा ना मनो तो मैं गल कहां, ते पीर मियाँ मिठा जी कहन लगे, सज्जना कहो दस भलिया जो तू भी देखिया तू भी सुनिया तू भी कह। कहन लगे मैं इन्ना अपनिया अखां दे नाल ना जिहड़े ताडे मुरशद ने, ताडे मुरशद हजरत अब्दुल रहमान जी, वह भी धन गुरु नानक तपे दे उस सभा विच बैठे, उन्हां नाल संवाद करदे, उन्हां दे नाल चर्चा करदे, मैं अपनी अखां नाल देखियां ने। उन्हां ने इस नानक तपे दे प्रभाव नूं, उन्हां दी विचारां दी जिहड़ी गल है उन्हूं खिड़े मत्थे ते स्वीकार कीता है। उन्हां ने इस गल दे नाल संमती प्रगट कीती है कि नानक तपा जी जिहड़ी गल कर रहे ने, खुदा दी गल कर रहे ने, खुदा दी मर्यादा दी गल कर रहे ने, खुदा दे हुक्म दी गल कर रहे ने, खुदा दी जिहड़ी महान दात है उहदी गल कर रहे ने, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे ने, बिल्कुल ठीक आख रहे ने, इन्हां दे कथन विच किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की है। हुण जदों पीर मियाँ मिठा जी दे सामने ये गल कह दिती गई कि ताड़े उस्ताद जी भी जिहड़े मुर्शिद ने अब्दुल रहमान जी, वह भी उत्थे गए ने और उन्होंने नानक तपा जी का प्रभाव कबूलिया है, उन्हां दीआं गल्लां नाल संमति प्रगट की है, तां कहिंदे ने जां पीर मियाँ मिठा जी ने इन्हां वास्ते बड़ा ही एक हैरानीजनक प्रभाव सी इन्हां दे मस्तक उत्ते। ये गल सुन के बड़े हैरान ने, अपने अपने सोचते ने है एडा वड्डा तपा नानक है, एडा वड्डा तपा नानक नूं हुण दा खुदाई माण प्राप्त है, नानक तपा सच्ची इन्ने प्रभाव वाला है कि मेरे मुर्शिद जी जिन्हां तों मैं जिंदगी दी सेध लई है वह भी उन्हां दी सभा विच, वह भी उन्हां दी मजलस विच, वह भी उन्हां दी संगत विच। ते गल करदियां करदियां कह रहे ने इहदा मतलब यह है कि सानू भी उन्हां तक जाना पएगा, पर अजे अंदर दा जिहड़ा वो बनिया होया मजहबी संस्कारां दा वो विचारक
ना कबूलन वाला सुभा है वो अजे भी कहता कि मैं जावांगा तो जा के मैं चर्चा करांगा तो मैं तो नींबू दे रस निचोड़ लैण वांग मैं नानक तपे नूं निचोड़ के रख देंगा क्योंकि अंदर मनण लई तैयार नहीं। ऐही एक कमी रहिंदी है कि ज्ञान की सच्ची गल वे हठ धर्मी दे लए मनुख दे लए कई बार वो मनण लई इसलिए राजी नहीं हुंदा कि जे मन लई तो मेरी मजहबी मर्यादा छोटी पै जाएगी पिछे रह जाएगी उन्हां दी गल उपर आ जाएगी। हुण इत्थे ऐसी चर्चा ये पीर मियाँ मिठा जी ने ना एक पासे प्रभाव मन भी रहे ने कबूल भी रहे ने दूजे पासे अपने मन के हाव भाव अपने मन के हठीपन का प्रगटावा भी कर रहे ने। ये तो बाद इत्थे की हुंदे आओ आपां साखी दे अगले हिस्से विच सारे सतसंगी रल के सुन दा जतन करांगे। इन्नी कीती हुई सेवा सारिया ने कबूल कर लेनी पुलां दे लई माफ़ी देनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।